और चलिए रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के पूर्व सीईओ पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। पूर्व सीईओ पीसी गुप्ता के साथ 21 लोगों पर यह केस दर्ज हुआ है। मथुरा में अथॉरिटी को चूना लगाने का आरोप इन पर है। आपको बता दें, जमीन खरीदकर 126 करोड़ का चूना लगाया, बहुत बड़ी रकम। यूपी सरकार के कहने पर ही सीबीआई ने ये जांच शुरू की है। तो एक बार और ये बड़ा घोटाला सामने आया, जहां पर यूपी सरकार के कहने पर सीबीआई ने ये जांच की और जांच में यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के पूर्व सीईओ पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सीबीआई ने ये एफआईआर दर्ज की और साथ ही 21 लोगों पर भी केस दर्ज हुआ है। मथुरा में अथॉरिटी को चूना लगाने का आरोप है इन पर। आपको बता दें, मथुरा में जमीन खरीदकर 126 करोड़ का चूना लगाया गया है। तो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के पूर्व सीईओ पर एफआईआर सीबीआई ने दर्ज कर ली है और साथ ही 21 लोगों पर भी केस दर्ज हुआ है। मथुरा में अथॉरिटी को चूना लगाने का आरोप है इन पर, और कोई छोटी मोटी रकम नहीं। मथुरा में जमीन खरीद करके 126 करोड़ का चूना लगाया गया है। आपको बता दें, यूपी सरकार के कहने पर सीबीआई ने ये जांच शुरू की है और ये जांच आगे भी आगे बढ़ेगी और कई और भी लोगों का नाम, बड़े नेताओं का नाम भी इस घोटाले में शामिल हो सकता है। तो मथुरा में जमीन खरीद करके 126 करोड़ का चूना लगाया अथॉरिटी को, जिसके तहत सीबीआई ने यह कार्रवाई की और एफआईआर दर्ज कर लिया है यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के पूर्व सीईओ पर। यह एफआईआर दर्ज हुई है, 21 लोगों पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अविनाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अविनाश, जांच कहां तक पहुंची और क्या कुछ कार्रवाई हो रही है, क्या है अपडेट्स? जी बिल्कुल दीपिका, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण का एफआईआर है, क्योंकि ये पिछले साल ही पीसी गुप्ता के खिलाफ जब आरोप लगे थे तो एफआईआर दर्ज कराई गई थी, फिर उनको मध्य प्रदेश के दतिया से गिरफ्तार किया गया था और लगातार उन पर आरोप लग रहे थे कि उन्होंने तमाम सारे बिल्डरों के साथ साथ अपने तमाम रिश्तेदारों को भी फायदा पहुँचाया है। अगर बात करें तो पिछले हफ्ते ही नोएडा प्राधिकरण के ACEO पकड़े गए थे सतीश कुमार, उनसे भी पूछताछ हुई है। उन्हीं की पूछताछ के बाद अभी 2-3 दिन पहले 2 बिल्डर भी पकड़े गए। उसके बाद आज सीबीआई ने तमाम मामले में एफआईआर दर्ज की है। 21 लोगों के खिलाफ अब तक एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सीबीआई को उम्मीद है कि इसमें और भी कई सारे आरोपी हैं जिनके नाम निकल कर अभी सामने नहीं आए। कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। सीबीआई सूत्रों से जानकारी मिली है, उसमें सीबीआई मान रही है कि 36 लोग कुल इसमें जिम्मेदार हैं इस पूरे भ्रष्टाचार के। तो उनके और जो बचे हुए आरोपी हैं उनकी भी धरपकड़ के लिए वो पूछताछ की जा रही है, जो गिरफ्तार आरोपी हैं, और उनसे भी आगे की पूरी जानकारी ली जा रही है। क्योंकि जो पूरा मामला 126 करोड़ के घोटाले का है, जिसमें तमाम सारे नोएडा प्राधिकरण के जो अधिकारी थे वो सभी मिलकर एक दूसरे को फायदा पहुँचाने के लिए जो प्लान था नोएडा प्राधिकरण का, उसके अतिरिक्त जाके इन्होंने वहां पे जमीन खरीदी, अपने रिश्तेदारों को खरीदवाई, फिर उसको अपने मेगा, मतलब जो उनका मेगा प्लान था नोएडा प्राधिकरण का, जो भी प्लान था उससे बाहर जाके उन्होंने जमीन परचेज की। और उसमें जब जमीन परचेज की तो वहां तमाम अपने सारे रिश्तेदारों की जमीन उसमें ली गई, जिसमें अपने तमाम सारे रिश्तेदारों को इन्होंने मुआवजा दिलवाया और बड़ी रकम दिलवाई, जिसके बाद ये पूरा घोटाला निकल कर सामने आया जिसमें एफआईआर हुई थी। इसके बाद सीबीआई से इस केस की जांच कराने की अनुशंसा की गई थी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने सीबीआई को इस केस को पूरा सौंपा था। सीबीआई ने जब जांच शुरू की तो उसमें एक के बाद एक तमाम सारे आरोपी निकल कर सामने आए। नोएडा प्राधिकरण के पूर्व सीईओ पीसी गुप्ता का नाम सबसे पहले निकल के आया, तो उनकी गिरफ्तारी हुई। जब उनसे पूछताछ की गई तो और अन्य आरोपियों के नाम निकल कर सामने आए। फिर पूर्व ACEO सतीश कुमार का भी नाम निकल कर सामने आया, उनसे भी पूछताछ हुई, तो 2 बिल्डरों का भी नाम निकल कर आया जिनको 2-3 दिन पहले ही गिरफ्तार किया गया है। अभी सीबीआई को और शक है कि इसमें और भी कई सारे आरोपी हैं जो निकल कर सामने आ सकते हैं, इसीलिए सीबीआई और छानबीन कर रही है कि इसमें और किन किन लोगों को फायदा पहुंचाया गया, इस पूरे लैंड डील में कौन रहा है, इस प्लान को बाहर ले जाने के लिए कौन कौन लोग शामिल थे। तो इस पूरे तमाम सारे समीकरणों के साथ सीबीआई इस पर छानबीन कर रही है। अभी ये नई एफआईआर रजिस्टर की गई है कल इसमें, क्योंकि इन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को, नोएडा प्राधिकरण को काफ़ी नुकसान पहुंचाया और जो इनका प्लान था उससे हट के जमीन खरीदी, तो इसी पूरे मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। अब और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है और सीबीआई और इन लोग से भी पूछताछ कर रही है।
इस पूरे घोटाले में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ये एक या दो लोगों का काम नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी रकम है 126 करोड़। ऐसे में जो बाकी के लोग हैं, क्या कोई बड़ा नाम भी शामिल आ सकता है जांच में? देखिए, अभी तक सीबीआई किसको गिरफ्तार करेगी किसको नहीं इस पर तो नहीं खुल के बोल रहे, लेकिन सीबीआई के जो सूत्र हैं हमें बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि सीबीआई इन तमाम सारे लोगों से पूछताछ कर रही है। कई लोगों के ऊपर शक है, शक के बिना पर सीबीआई इन लोगों से पूछताछ करे, जब उन लोगों के खिलाफ पुख्ता सबूत मिलेंगे तब सीबीआई उन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए आगे जाएगी, तभी उन लोगों का नाम रिवील करेगी। लेकिन अभी सीबीआई इन तमाम लोगों से पूछताछ करे, क्योंकि सीबीआई के रडार पर कुल 36 लोग हैं, जिनमें से 21 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अभी 15 लोग और हैं जिनके खिलाफ तथ्य खंगाले जा रहे हैं, इनसे भी पूछताछ की जा रही है क्या उनका किसी तरीके से रोल रहा है इस पूरे लैंड स्कैम में, इस पूरे लैंड डील में। तो इन लोगों से भी जो गिरफ्तार लोग हैं इनसे भी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि इनमें से कई सारे आरोपी ऐसे भी हैं जो पीसी गुप्ता के ही पूछताछ के बाद निकल कर सामने आए हैं। उसके बाद जब पूर्व एसीओ को गिरफ्तार किया गया तो उनसे भी पूछताछ में कई सारे आरोपियों का नाम निकल कर बाहर आया। अब सीबीआई जो 10 से 15 लोगों को और जिनको अपने रडार पर रखी हुई है, जिनकी गतिविधियों के बारे में सीबीआई पता लगा रही है, उनके बैंक अकाउंट्स वगैरह खंगाल रही है, उनके बारे में भी पूछताछ कर रही है इन लोगों से। जैसे ही उनके खिलाफ कोई और तथ्य निकल के आते तब सीबीआई उनके अरेस्ट की ओर आगे बढ़ेगी। फिलहाल इन तमाम सारे लोगों से पूछताछ करके तथ्य जुटाया जा रहा है कि जिससे कि जिनके ऊपर उनको शक है उनसे जो है उनकी गिरफ्तारी कर सके या उनसे पूछताछ के लिए आगे बढ़ सके। बिल्कुल अविनाश, आप नजर बनाए रखें इस खबर पर, लगातार हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया अविनाश इस जानकारी के लिए। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpganga। ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpganga।